इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भगवान पशुपति महादेव की आठों मुख जलमग्न, शहर के निचली बस्तियों में बढ़ी पानी की आवक। मंदसौर में सोमवार देर शाम से हो रही बरसात के चलते शहर और आसपास के गांव में लगातार जल स्तर बढ़ने लगा। नदी नाले उफान पर हैं। आज सुबह तक लगभग 3 इंच बारिश हो चुकी है। मंदसौर के कालाभाटा बांध के 5 गेट 10 फीट तक खोले गए हैं, जिसके कारण सिवना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ गया। और वहीं मंदसौर में सिवना नदी भी उफान पर है, जिसके चलते नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी, बंसीलाल गुर्जर, उपाध्यक्ष नम्रता प्रीतेश चावला, नगर पालिका सीएमओ पीके सुमन ने खानपुरा की निचली बस्तियों अशोकनगर, सनी विहार, धानमंडी पंप हाउस, नीलाम शाह दरगाह स्थित पंप हाउस, रामघाट, कालाभाटा डैम, पशुपतिनाथ की पुलिया का मौका मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ में वार्ड पार्षद कमलेश सिसोदिया, भावना जयप्रकाश पमनानी सहित नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं पशुपतिनाथ महादेव के सुबह 6 बजे तक 4 मुख जलमग्न हो गए थे और लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण 8 मुख जलमग्न होने की तैयारी है। वहीं सिवना नदी के बढ़ते जल स्तर को देखने सैकड़ों की संख्या में लोग पशुपतिनाथ स्थित सिवना नदी देखने पहुँच रहे हैं। भीड़ की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन बराबर मुस्तैद है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ ही शहर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी पशुपतिनाथ मंदिर सहित शहर के उन तमाम क्षेत्रों में जाकर जहां निचली बस्तियों में जलभराव होता है, वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और आम जनता से अपील कर रहे हैं कि बारिश के समय किसी तरह की रेस्ट करा ले। नदी नाली पुलिया में अगर बारिश का पानी हो तो उन्हें पार न करें और सुरक्षित रहें। है ब्रज के पास पानी है, पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा में भी पानी है वहाँ, और छोटी पुलिया पूरी तरह डूब गई है। तो अभी हमने स्टॉपर लगा के यहाँ व्यवस्था बना दी है और अन्य बल तैनात कर रहे हैं। जहाँ पर पानी भरा गया है वहाँ पे लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जिन बस्तियों में बढ़ाने की संभावना है वहाँ पर लगातार हमारा भ्रमण चल रहा है। बाकी पूरा फोर्स और रेस्क्यू इक्विपमेंट्स तैयार हैं। जैसी व्यवस्था बनेगी, जैसी आवश्यकता लगेगी, वैसी कार्रवाई करेंगे। बारिश को लेकर आम जनता साहब क्या कहना चाहेंगे? बारिश को लेकर एक प्रमुख अपील तो यही है, जहां पर रपटों पर नालों पर पानी है उसको किसी भी स्थिति में पार ना करें और जहां निचली बस्तियां हैं वो उनकी व्यवस्थाओं पर ध्यान दें। यदि नाले के आसपास घर है तो उससे अलग हटके किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। कोई ऐसे मकान जो जर्जर हैं या आसपास कोई ऐसा स्थान हो जो गिरने लायक हो, मकान हो, पेड़ हो, तो उससे दूरी बना लें, उसकी सूचना तत्काल दें तो नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन सभी मिलकर उसकी व्यवस्था व्यवस्थित बना देंगे। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़।